तो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक ही मुद्दे का यात्रा नहीं है। मेरी आज सुबह संजय राउत से बात हुई और लंबी बात हुई है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पीछे बैठते हैं राज्यसभा में और कई सालों से मैं उनको जानता हूं। जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण समर्थक सामना था, सामना में उनका लेख छपता था, तब से मैं जानता हूं उनको। मेरी लंबी बात हुई और उन्होंने कहा, देखिए जो मेरे मन में है मैंने कहा है, जो आपके नेता के मन में है उन्होंने कहा है, पर इससे MVA को कुछ लेना देना नहीं है। अलग विचार है, अलग नज़रिया है, अलग दृष्टिकोण है और ये वास्तविक है। MVA तो 3 साल हुए बने और पहले शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग, हम राजनीतिक विरोधी थे और हम MVA में शामिल हुए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, उसके आधार पर हमने सरकार भी बनाई। तो मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ये MVA को कमज़ोर करेगा, MVA को डिस्टेबलाइज करेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग विचार है, अलग विचार है, हम बात करेंगे। लेकिन भाजपा और मन से इसमें ज़्यादा आक्रामक हो रही है। नहीं देखिए, अभी पुणे में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ता ने फाड़ दिए, राहुल गांधी के पोस्टर फाड़ दिए भारत जोड़ो यात्रा के। हमारे पोस्टर कर्नाटक में भी फाड़े गए थे, हमारे खिलाफ BJP ने खूब प्रचार किया कर्नाटक में, पर कर्नाटक की जनता ने उनका सही और कड़ा जवाब दिया। मैं समझता हूँ ये पोस्टर फाड़े जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, बयान देते दिया जाएगा, पर महाराष्ट्र की जनता ने नांदेड़ में, हिंगोली में, वाशिम में, अकोला में और बुल्ढाना में जवाब दे दिया है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक ही मुद्दे का यात्रा नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा आ गया है, पिछले 24 घंटे से लोग इसी की बात कर रहे हैं और इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि जो अखबार और जो मीडिया हमें भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहे थे उनको भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कई अखबारें देखे हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कहीं 18 पेज में या 17 पेज में लगा दिया है, पर सावरकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ मुख्य न्यूज़ छापे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ठीक, इसमें विवाद उठा है, हम इस विवाद से, एक मिनट, मैं इस विवाद से भाग नहीं रहे, पर अभी आज देखिए, आज का दिन सावरकर का दिन नहीं है, आज का दिन संत गजानन महाराज का दिन है।